नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तंजीम खान और आप देख रहे हैं ए जिंदगी गले लगाले। आज बात महिलाओं के मान की, उनके सम्मान की, उनके हक की होगी। महिलाओं का मुद्दा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बदलती तारीख के साथ मैंने बदलते फेसबुक स्टेटस को देखा है, टीवी चैनल की हेडलाइंस को देखा है, नेताओं को महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए देखा है। इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि महिलाएं सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं चाहती, वो ऐसा सम्मान चाहती हैं जो उन्हें समाज ताउम्र दे। कहने को तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि पढ़े लिखे समाज में भी महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। अगर महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें भी एक खुला आकाश मिले, उन्हें भी खुली छूट मिले, तो इसमें हर्ज ही क्या है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वही महिलाएं समाज से भी कुछ अपेक्षा करती हैं कि समाज उन्हें अच्छी नजर से देखे, उनका सम्मान करे। आप क्या चाहती हैं समाज से कि समाज आपके साथ कैसा व्यवहार करे? मैं चाहती हूँ कि समाज हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो भेदभाव ना करे, लड़का और लड़की में वी आर इक्वल, गर्ल्स आर इक्वल। क्योंकि अब हर क्षेत्र में महिलाएं कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि हर क्षेत्र महिलाएं, क्या महिला पायलट हैं, टीचर है, हर चीज़ है। और मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुड स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं इक्वालिटी चाहती हूँ दोनों में, कि बॉयज़ और गर्ल्स में फ़र्क ना हो। मान लो कि अगर घर में भाई और बहन है, बहन शॉर्ट्स नहीं पहन सकती पर भाई शॉर्ट्स पहन के घर में घूम सकता है। दोनों की स्किन उतनी ही दिखती है, जितनी उसकी दिखेगी उतनी मेरी दिखेगी। हालांकि मेरे घर में ऐसा नहीं है पर आस पड़ोस में ऐसा है, तो मैं चाहती हूँ कि सबके घर में इक्वालिटी हो, गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस ना करे कुछ भी। मैम, सोच के आ जाती हूँ तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। घर वाले मोस्टली हम जहाँ जिस समाज में रह रहे हैं उसे भी हमें देख के काम करने पड़ते हैं, तो हमें समाज को, जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे, कितने भी घरों में परिवर्तन आ जाए, जो एकजुटता वाली सोच में परिवर्तन आएगा वो समाज ही ला सकता है। क्योंकि अगर समाज जब तक कुछ नहीं करेगा तो हमारे घरों में भी जब तक हमारी सोच में परिवर्तन आ जाएगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग समाज के डर से ही मैम कुछ नहीं कर पाते। मैं समाज से यही चाहती हूँ कि किसी भी, जैसे बॉयज़ को कपड़े पहनने की छूट है तो लड़कियों को भी पहनने जाए, उनको ये ना बताया जाए कि तुम्हें ये पहनना चाहिए ये ना पहनना चाहिए। एक लड़के वो मैच्योर है 18 साल की, उसे ये पता होता है कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। और ये बात भी होनी चाहिए कि ऐसे बोल देते हैं कि तुम अब मत पढ़ो, अपने आगे जाके तुम्हें कोई और पढ़ा लेंगे। समाज में यही होता है कि इतनी लड़की की 18 साल हो गई, चलो शादी कर दो, जिसने पढ़ाना होगा आगे जाके खुद पढ़ा लेंगे। पर ये मानते हैं कि अब तक फ्यूचर में क्या हो जाए, तो लड़की को अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें पूरी पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, हर क्षेत्र में उन्हें आज़ादी दी जाए। अच्छी बात है, चेंज होएगा तो अब सबको इक्वलिटी मिलेगी कि हर गर्ल्स भी वही करें और जो बॉयज़ करते हैं, हर छूट मिलनी चाहिए उनको भी हर चीज़ में। जैसे बॉयज़ कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, उनको पूरी आज़ादी, लेकिन गर्ल्स को नहीं है, गर्ल्स को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। मेंटेलिटी बदले पहले तो, वो ये समझते हैं कि सिर्फ लड़के ही सुपीरियर हैं, लड़कियाँ कुछ है ही नहीं, वो कोई काम नहीं कर सकती, वो किसी के लायक नहीं है, उसमें उनमें इतनी स्किल्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनमें कुछ करने की अपेक्षा नहीं, उनमें पूरी एबिलिटी है, वो पूरा अपना काम कर सकती है। तो उनकी मेंटेलिटी पे ध्यान देना चाहिए कि मेंटेलिटी है, इक्वल होनी चाहिए। मैम, आजकल जो हमारे अर्बन एरियाज़ है उनमें मैम बहुत चेंज आया है। मैम, जैसे कंपेयर करते हैं हम रूरल एरियाज़ को, मैम तो विलेजेस में क्या है कि अभी भी वो यही सोचते हैं कि भाई जो लड़के हैं वो अभी भी सुपीरियर है लड़कियों से। हमारी लड़कियां अगर ये करेंगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, वो ज़्यादा पढ़ लेंगी तो हमें मतलब कुछ हमारे लिए नहीं कर पाएंगी, हमारे लड़के हमारे लिए सब कुछ करेंगे। जबकि ये है, आज के टाइम में लड़कियाँ ही साथ दे देती है माँ बाप का, लेकिन लड़के नहीं देते। आज के दौर में हम ये कहें कि महिलाएं इस समाज में रीढ़ की हड्डी हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके बिना इस दुनिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि औरत एक कमजोर हस्ती है, क्योंकि उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जन्म दिया है। पिछले कुछ वक्त में महिलाओं की जो स्थिति में है वो सुधार आया है, चाहे कानून की बात करें चाहे अधिकार की बात करें, काफ़ी कुछ सुधार जो है हमें देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरी तरह से आज़ादी थी वो शायद अभी महिलाओं को नहीं मिल पाई है। लेकिन महिलाएं समाज से क्या चाहती हैं वो भी जान लेती हैं। आपको क्या लगता है समाज को किस तरह के नज़रिए बदलने की ज़रूरत है? समाज को नज़रिए बदलने की ज़रूरत है, हमें अच्छा पढ़ाना चाहिए। जैसे अपने लड़कों को वो अपॉर्चुनिटी आगे के लिए देते हैं, वैसे हमें भी देनी चाहिए, हमें भी कॉलेज भेजना चाहिए, लड़कियों को भी देनी चाहिए, यहाँ तक कि जो नहीं पढ़ी हुई है लेडीज़ उन्हें भी आगे पढ़ाना चाहिए। समाज की सोच है पहले मतलब बहुत ही नीचे लेवल की सोच थी, बट अब उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अभी भी समाज में यही है कि लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाने देते हैं या उनके ड्रेसिंग सेंस प्रिकॉशंस करते हैं,
तो हमें सिर्फ इन बातों को हमें छुटकारा दिलाना है समाज में। अब सरकार ने कानून बनाए हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट होता है लेडीज़ को, बट अभी भी मोस्टली वो 100% बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, उसमें थोड़ी कमियाँ हैं। यौन अपराधों पर सख्त कानूनों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है। यौन हिंसा के लगातार सामने आ रहे मामलों ने एक बार फिर महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए पर चर्चा छेड़ दी है। कानून बनाने को बना दिए गए, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर डिप्यूट किए गए हैं, वो आपको क्या प्रोटेक्शन दिलाएगी? एक बार आपके हस्बैंड मार पिटाई करते हैं, आ जाएंगे, समझा देंगे, उसके बाद फिर वही आपने वहीं रहना है, या फिर क्या है, आप घर छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? सर, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति सोच पहले से तो बहुत बदली है, नो डाउट। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे पहले था वैसे ही अब है, सोच बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुई, परंतु वो जो आज की पीढ़ी है ना, सिर्फ उसी पर हुई है। जो हमारे कहते मेरे हस्बैंड के एज के या हमारे एज के जो बच्चे हैं, सिर्फ इन्हीं में चेंज हुआ। जो इससे पहले वाली पीढ़ी थी ना, वो तो बहुत रिजेंट थी, और इवन उनका अभी भी पूरा प्रेशर है कि हमारे वालों को भी वो पूरा मतलब जो है वो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से चले। लेकिन फिर भी क्या, हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ वैसे ही। आज से 10 साल पहले और आज के टाइम में जो आज का इवन जो पुरुष प्रधान जो पुरुष जिनकी हम बात करते हैं ना, उनकी भी सोच में परिवर्तन तो हुआ है। वैसे तो बहुत सारी इक्वालिटीज़ प्रोवाइड की हैं कि विमेन और मैन लाइक बोथ आर इक्वल। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इक्वलिटी प्रोवाइड भी की गई है, लेकिन स्टिल सम सिटीज़, सम टाउन्स एंड सम एरियाज़ आर देयर व्हिच आर स्टिल बैकवर्ड। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अगर मैं बात करें हम इक्वलिटी की, कहा तो ये जाता है पेपर्स में, इट इज़ रिटन इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरीबडी इज़ गिवन टू द राइट टू इक्वलिटी बेसिकली, बट कहाँ है वो? एक्सपेक्ट यही है कि अगर इक्वल राइट्स की बात है तो इक्वल वर्क जो है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इक्वली। समाज से बेसिकली अभी अपेक्षा तो यही है कि औरतों की इज्जत करें। अगर हमारे घर में जो बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं हम अपने बेटों को तो सिखा रही हैं कि नहीं, ये लड़कियों के लिए ही नहीं होता, लड़के भी करते हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं, तो लड़का लड़की वाला से डिफरेंस हम ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो हमसे पहले वाली जो स्टेज है ना, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने ये शायद चीज़ें इतनी इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाए अपनी फैमिलीज़ में और अपने बेटों में, तो वो हमें कहीं ना कहीं झेलनी पड़ जाती हैं, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में ना अभी भी वो चीज़ नहीं आ पाई है जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं। एक्चुअली अब आप शुरू से ही देख लीजिए, हमारे समाज है, हमारी हम लड़की थे छोटे से थे, बाहर जाना है ब्रदर को लेके जाओ, क्यों? अकेले नहीं जा सकते, वो थोड़े से बड़े हुए फिर ब्रदर को लेके जाओ, बाहर जाना है बिल्कुल बाहर जाना है पापा साथ जाएंगे। महिलाओं के मामले में घर से लेकर बाहर तक एक सीमित नजरिया काम करता है। घर में रहना, घर संभालना, बच्चों की देखरेख करना, पति और उनके माता पिता की जिम्मेदारी उठाना, यहीं तक आकर उनकी जिंदगी सिमट कर रह जाती है। अब अगर हम ये कहें कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपना कोई निजी नजरिया नहीं होता, तो शायद गलत नहीं होगा। नारी तो कोमल है लेकिन कमजोर नहीं। उस पूरी दुनिया को जलने वाली नारी आज खुद ही अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। चांद से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तरस रही है तो सम्मान के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए कंसर्न्ड है। कंसर्न्ड क्यों है? क्योंकि हमारा समाज में इतने ज़्यादा बुराइयां हैं, इतनी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं देते हैं गर्ल्स को। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के लिए वो मेजरमेंट ले अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे गर्ल्स के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएँ, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि गर्ल्स के बीच में सेफ्टी प्रोवाइड इतना मतलब हरियाणा में नहीं करते, तो गर्ल्स कॉलेज खोले जाए और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाए। एक्सपेक्टेशन है मेरी कि लड़कियों के लिए अच्छे से अच्छे मेजरमेंट बनाए जाएं, उनको आगे आने के लिए नए नए अपॉर्चुनिटी दी जाएं, जैसे एजुकेशन के लिए एक लड़की ने बताया जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए, फ्री होनी चाहिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवानी चाहिए, गर्ल कॉलेज हों तो बहुत अच्छा होता है, सेफ्टी होती है वहाँ पर और पेरेंट्स आसानी से लड़की को भेज देते हैं। जी, मैं देश से ये उम्मीद रखती हूँ कि हमारे जो देशवासी हैं वो सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। हर चीज़ किसी दूसरे पर डाल देना कि ये दूसरे की जिम्मेदारी है, ये दूसरा करेगा, तो उससे देश नहीं बदल सकता। देश तब बदलेगा जब हम ये चाहें कि हमें क्या करना है, हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होना चाहिए। ये बात तो सब करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो मुझे वाली बात आ जाएगी तो देश अपने आप बदल जाएगा। ये चीज़ें होनी चाहिए।
बस सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि जो बॉयज़ हैं उनके माइंड में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत और होना चाहिए कि अगर गर्ल्स जा रही हैं, बाकी तो वैसे तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज और होना चाहिए। समाज हमारे को इक्वली राइट्स दे, चाहे जितने मेंस को राइट दिया है गर्ल्स को भी उतने ही राइट्स मिले और वो अपने डेवलपमेंट कर सके, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो चाहे हेल्थ की फील्ड में हो, दोनों ही फील्ड में उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। हमारी उम्मीद तो बहुत सारी है समाज से कि जैसे पहले लड़की को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़की को ये सोचा जाता था कि सिर्फ चार दीवारी में ही रह सकती है वो, और घरेलू कामों में ज़्यादा लड़की को दिखाया जाता। उससे आजकल काफ़ी मूवमेंट हुआ है, काफ़ी कुछ सुधरा है हमारे समाज से, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। अब हमें पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। समाज तो लोगों से मिलकर बना हुआ है, तो लोग जैसे रिएक्शन करेंगे वैसे समाज बनेगा, जैसे उनकी अपनी भावना रहेगी, सोचेंगे जैसा जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, तो समाज पॉजिटिव होगा तो इंसान पॉजिटिव होगा तो समाज भी पॉजिटिव ही होगा। भले ही महिलाओं ने कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना की हो, उसके दिन और रात घर परिवार के लिए ही होता है। इससे ज्यादा की चाहत का मतलब होता है घर में अशांति। बस हमारे पिछड़े समाज की यही सोच है, महिला चाहे जितनी भी शिक्षित हो जाए उसे अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन महिलाएं चाहती हैं कि उनको ऐसी आज़ादी मिले जहां उनकी हंसने की आज़ादी हो, उनको रूठने की आज़ादी हो, उनको मनाने की आज़ादी हो, हर तरह की आज़ादी हो। शादी के बाद नाम बदलना, सरनेम बदलना उनकी च्वाइस हो, पति या पिता पे डिपेंड रहना उनको ना आदत में शुमार हो। समाज बदला है उतना जितनी अपेक्षा करी थी समाज से? समाज इतना नहीं बदला है, घर वाले सपोर्टिव हो गए हैं, पर जो आसपास के लोग हैं घर वाले उतना सपोर्ट कई लोगों को, हमारे घर वाले शायद करते हो पर और लड़कियों को इतना नहीं करते। आसपास के लोगों से ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है लोगों की थॉट प्रोसेस कि दूसरा क्या बोलेगा। अगर हम लोग भी 7 बजे घर के बाद है, पेरेंट्स सपोर्टिव है, लेकिन 4 लोग पड़ोसी बोलेंगे आपकी बेटी इतनी लेट क्यों आ रही है, तो वो चीज़ें लोग नहीं बदल पाए हैं जिन पे लड़कियों को ब्लेम किया जाता है। लड़के अगर लेट आते हैं उनके लिए पूरा सपोर्ट है, पर अगर लड़की चाहे काम पे जा रही है, अपने ऑफिस अटेंड कर रही है, कोचिंग अटेंड कर रही है, पर प्रॉब्लम हर किसी को क्या है कि लड़की टाइम से पहले आ जाए, चाहे वो प्रोफेशनल करियर हो या आपका पर्सनल चॉइस हो कि आप थोड़ी लेट आना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट है, पार्टी है, पर वो लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी लड़कों को है। घर वाले फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, पर समाज वाले 4 बातें और बनाते हैं और घर वालों को और प्रपोक करते हैं कि तुम इन पे ये बंदियां लगाओ, मतलब कि घर वाले अगर सपोर्ट करना भी चाहे तो कहते समाज वाले क्या कहेंगे। समाज नहीं बदला है लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आज के टाइम में। समाज इतना नहीं बदला और जहाँ तक है शायद वो बदलेगा भी नहीं, उनके लिए लड़के ही ज़्यादा सुपीरियर रहेंगे लड़कियों के कंपैरिजन में। घर वाले बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्ट करेंगे, बट समाज नहीं कर सकता है, वो 4 बातें बनाएगा और वो हमेशा ही बनाता रहेगा। ये सवाल सबसे अहम है कि इन सबके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारा घर, घर का माहौल, समाज, समाज में रहने वाले लोग, हम और हमारे चारों तरफ के लोग। दरअसल पहला फर्क उन्हें घर से ही मिलता है, जब माता पिता लड़के लड़की में फर्क करना शुरू कर देते हैं। ये फर्क दोनों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में साफ तौर पर नजर आता है कि हर इंसान के परिवार में फिर भी परिवर्तन आया है, बट समाज वहीं का वहीं है। लोग बोलेंगे कि ये है वो है, बट ये है कि परिवार भी किस हद तक बदल सकता है, परिवार की भी लिमिट्स हैं किस हद तक बदलेगा वो, जब तक समाज आगे नहीं बदलेगा। आज में चेंजेस थोड़े बहुत आए हैं, बट आज भी कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जो अपनी थॉट की वजह से अपनी फैमिली को भी बहुत वो करते हैं। मीन्स पुराने टाइम के लोग क्या करते थे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी ना उनको सोचते कि हाँ भी बड़े जो भी सोचते सही सोचते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो करते हैं मतलब ये चीज़ें। मेरे ख्याल से ना घर में चेंजेस आए ना समाज में चेंजेस आए, क्योंकि हर घर से एक समाज बनता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर के बच्चे और हम कहेंगे कि हमारी फैमिली की सोच अलग है तो ये गलत होगा। जैसे हम बच्चे हैं वैसे हर फैमिली के एक बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे ऐसा कहेंगे कि फैमिली में सोच चेंजेस हुए हैं पर समाज में चेंजेस नहीं हुए हैं, तो फैमिली की सोच तो वही है। उसी तरह से समाज, जब फैमिली हमारे हमें सपोर्ट करेगी तो समाज की सोच से कोई लेना देना नहीं होता है। फैमिली में अगर आप इक्वली ट्रीट करोगे गर्ल बॉय को, और सेम चीज़ अगर आप हर फैमिली में हो जाए पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, तो वो चीज़ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम जाते हैं हम गर्ल्स को बोलते हैं आपको ये नहीं पहनना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, पर हमें अपने जो घर में बॉयज़ होते हैं, भाई होते हैं, उनको भी हमें बताना चाहिए कि गर्ल्स को हमेशा ऐसे ट्रीट करो,
उनको एज अ मटेरियल आइटम मत समझो, प्रोडक्ट मत समझो। जो सोच है ना वो अभी पूरी तरह से नहीं बदली है। जैसे कि देखा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए अब माता पिता बढ़ रहे हैं, पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये है कि लड़के को प्राइवेट से पढ़ाएंगे, लड़की को गवर्नमेंट से पढ़ाएंगे। लेकिन बात ये है कि चलो उनकी सोच इतनी तो बदली है कि लड़की पढ़े, ये तो चलो बदला है, लेकिन एक कहीं ना कहीं और भी चीजें हैं जो लड़कियों के प्रति नहीं बदली है। जैसे कि लड़का फोन का यूज करता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक लड़की फोन का यूज करती है तो मतलब ये नहीं है कि उसे फ्रीडम नहीं है यूज करने की, फ्रीडम तो है, लेकिन उनके मन में ना कहीं डाउट बना रहता है कि एक डर रहता है। पूरे कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की आखिर महिलाएं समाज से चाहते क्या है, उनका नजरिया क्या है महिलाओं के प्रति। तो इस पूरे कार्यक्रम में हमें पता चला कि महिलाएं सिर्फ अपना अधिकार मांग रही हैं जो उन्हें बहुत पहले से मिल जाना चाहिए था। अगर आपको भी कुछ बदलना है तो महिलाओं के प्रति अपना एक बार नजरिया बदल के देख लीजिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं तंजीम खान, जनता टीवी।